क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच तत्व से रचित शरीरा। नमस्कार, महर्षि कृपा शक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूँ शासिया। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो इसका जवाब है हम नेचुरल तरीके से कुछ उपाय आजमा कर इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कम इम्यूनिटी बीमारियों को दावत देती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम टाइम से अपना ध्यान रखें, टाइम से खाना खाएँ और हेल्थी लाइफस्टाइल जिएं। तला भुना मसालेदार खाना, पॉल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमें महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ती हैं और हम इस उम्मीद में रह जाते हैं कि हम जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जिस तरह की बीमारियां आजकल दुनिया में चल रही हैं, उस हिसाब से हर इंसान को अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने की ज़रूरत है। लोग अक्सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय तलाश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन तरीकों को आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपना रहे हैं, उसमें कई चीज़ें हम ऐसी भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनका इस्तेमाल करने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। किसी भी तरह का नशा इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है, न सिर्फ इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, साथ ही कई और परेशानियों को भी दावत दे देता है। इसलिए शराब और धूम्रपान जैसी चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखें। सोने से पहले चाय या कॉफ़ी ना पिएं, इससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि हर प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी मात्रा में चीनी, रिफाइंड कार्ब्स और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं। फास्ट फूड आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसमें उच्च मात्रा में कैलोरी और सोडियम मौजूद होता है, जो हमारे शरीर में बेहद नुकसान पहुँचाता है। जिसके पास है हर समस्या का समाधान, उसका नाम है आयुर्वेदा। जी हाँ, प्राचीन समय से चलता आ रहा आयुर्वेदा इस समस्या में भी कामगार है और आज भी ये लोगों की पहली पसंद है। साथ ही डॉक्टर्स भी इस पर अटूट विश्वास रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आती हैं। गुडूची। गुडूची को गिलोय भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये जड़ी बूटी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लंबी उम्र के लिए भी मददगार है। अमलकी। अमलकी को आंवला कहा जाता है। विटामिन सी से भरपूर ये जड़ी बूटी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। साथ ही इसका इस्तेमाल आपकी स्किन और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। मुलैठी। इस जड़ी बूटी में मौजूद तत्व प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ गले से संबंधित दिक्कतों को भी दूर करने में मदद करते हैं। तुलसी। विटामिन सी, विटामिन ए और के से भरपूर ये जड़ी बूटी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल तत्वों से भरपूर है। इसके इस्तेमाल से सर्दी, जुकाम, खांसी व गले में खराश जैसी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। अश्वगंधा। दर्द और सूजन को कम करने के लिए प्राचीन समय से चलती आ रही ये जड़ी बूटी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, तो लाजमी है लो इम्यूनिटी वाले लोग इसकी चपेट में जल्द ही आ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए महर्षि कृपा शक्ति के साथ। धन्यवाद। क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच तत्व से रचित शरीरा।